मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज माधवी अम्भोरे और आज हम लोगों ने सडनली प्लान बनाया है कि हम लोग कोई तो ऐसे बीच में जाएंगे जहाँ पर सनराइज बहुत अच्छा दिखता है. तो ये जो लड़की है जो आपके पीछे है, दिस इज निधि. आपने इसको मेरे ब्लॉग में पहले भी देखा है. तो इसने मुझे बताया कि सेरेनिटी बीच में सनराइज अच्छा दिखता है. हम लोग साथ में सनराइज देखेंगे और अगर नहीं देख पाए तो सारा ब्लेम इसके ऊपर. We came by our scooty and this is not so far from Jipmer. It's like 20 or 25 minutes का रास्ता. कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ पर सच्चाई सामने आ रही है. देख रहे हो? वी रीच्ड लाइक अराउंड 6:30 AM इन द मॉर्निंग एंड तब हाउ ब्यूटिफुल दिस ऑरेंज कलर्ड सन इज लुकिंग अराउंड द क्लाउड्स इन द क्लाउड्स सो ब्यूटिफुल. The day was so cloudy and it was continuously raining in Pondi since 2-3 days. So we thought we will not be able to see the sunrise. So it was just a disappointment, but still we were enjoying the vibe. This is me excited to see a crab. मुझे उसको व्लॉग में लेना था बट जब तक कैमरा पास में आया वो चला गया यार. If you have never been to any beach in your life, I just want you to close your eyes and full volume pe you just feel these waves. Iski awaaz suno, it's like so peaceful. And I got scared as because पानी की लहरों ने मेरे फोन को दो बार गीला कर दिया था. When I was trying to capture a good time lapse, I thought I just dropped my phone and I was like shit. Sunrise का कोई आसान ना दिखते हुए सारी गलती का ब्लेम हम निधि पे डालना चाहेंगे. ये मौसम की गलती है. ठीक है, निधि को किसने बोला था इतना हॉट बनकर आने के लिए कि सन ही डूब सन को ही शर्म आ जाए कि मैं हॉट कैसे लग रहा हूँ इस हॉटनेस के सामने. देख, यस, इसकी भी गलती है. दो बार मेरा फोन भीग चुका है और मैं और रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ. भीग चुके हैं लेकिन हम लोग अभी भी सुधरे नहीं है. हम लोगों को अभी भी फोटोज खींचना है और अभी भी वीडियो खींचना है. ओके, सो द सन इज हियर एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज. ओह माय गॉड, पर मेरे हाथ भी गीले हैं ना, कपड़े भी गीले हैं. मैं पहुंचू तो किससे पहुंचू फिर? बट अभी बस सनराइज हो गया है, फोटोज भी अच्छे से खींच लिए हैं. नाउ जस्ट ऑल क्रेडिट गोज टू मी. नो, ऑल क्रेडिट गोज टू मी बिकॉज इट वॉज माई आइडिया एट द एंड ऑफ द डे. कुत्ता
मछुआरा एंड दैट कुत्ता इज आल्सो देयर। वाह, चप्पल को इतनी कस के पैर में पकड़ेंगे कि चप्पल नहीं बहेगी। नहीं नहीं, At the seashore, walking barefoot on the sand. यहाँ तो मैंने चप्पल पहन ली है, but walking barefoot on the sand and तेरे पैर अच्छे नहीं दिख रहे। Just going with the flow is very peaceful and is very relaxing. But the thing is, this beach smells like yuck because यहाँ पर ये लोग शायद मछुआरे हैं। And I want to tell my parents, मैं अंदर नहीं गई, मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई। Like some pictures, we had a nice time together, और फिर हम लोगों ने चाय वाय पिया और हम अपने रास्ते निकल गए। Please subscribe to my channel, share the video, hit the like button.